हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन लिया है हमने, 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। बोर्ड में अगर ये आया तो 4 नवंबर से नीचे का नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में एक अपनी पर्टिकुलर ट्रिक है, एक बार वो ट्रिक लगा दी फिर तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रिक नहीं लगाई या आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या है, बस वो छोटी सी ट्रिक ये है कि ये जो 1/x है ये आपको अपने LHS में लेके आ रहा है, ये ट्रिक लगा दी फिर क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो किस तरह से मैंने लिखा, 1/x + p + q - 1/x, क्योंकि प्लस का 1/x है ना तो उधर आ जाएगा, तो माइनस का 1/x हो जाएगा, 1/p + 1/q। अब जरा LCM लीजिए तो कितना LCM आएगा भाई। LCM पहले दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन तो कुछ है नहीं, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो एज इट इज सारा कॉपी कर लीजिए, तो x प्लस पी प्लस क्यू और इंटू एक्स। अब यहां ऊपर क्या आएगा भाई, इस टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म आ जाए तो भाई ये टर्म तो मैच ही हो रहा है, तो क्या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस इस x में क्या मल्टीप्लाई करो कि ये पूरा टर्म आ जाए, तो x से x तो मैच ही हो गया, तो पक्की बात ये x प्लस पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिखा है तो यहां पर लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहां पर एलसीएम, भाई पी और क्यू में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन का कुछ नहीं होता तो पूरा का पूरा टर्म ही कॉपी कर लिया जाता है। ऊपर कितना आएगा, पी में क्या मल्टीप्लाई करूं कि पी क्यू आ जाए, क्यू इंटू ऊपर वाला नंबर प्लस क्यू में क्या मल्टीप्लाई करूं कि पी क्यू आ जाए, पी इंटू ऊपर वाला नंबर मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स माइनस का, बोलो तो माइनस का एक्स माइनस का पी और माइनस का क्यू होल अपॉन एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू। देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स चला गया, और माइनस पी माइनस क्यू में से मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूं, तो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, एक ही बात होती है इंटू पी क्यू। चेक कर सकते हो यहां पर ही पी प्लस क्यू, यहां पर ही पी प्लस क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो ये भी कट चुका है ना तो वन ही तो बचा, 1/pq, तो 1/pq क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, तो माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू एक्स। क्या कर सकता हूं, ये माइनस का पी क्यू उधर ले जाएगी, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। पहले दो और अगले दो में से गारंटीड है कॉमन जरूर आ रहा होगा, तो देखो x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा x प्लस पी, और ये दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है प्लस का क्यू, क्या बचा x प्लस पी और इज इक्वल टू जीरो। फिर x प्लस पी कॉमन आ रहा है, निकालो बाहर इसे, x प्लस पी बचा क्या, अगर x प्लस पी कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्यू, तो x प्लस क्यू और इज इक्वल टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नियम है कि दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों ही जीरो के बराबर हो, तो लिखने का तरीका होता है आइदर पहला टर्म जो है या तो वो जीरो के बराबर होगा, और ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में और यूज करते हैं एंड कभी यूज नहीं करते, और दूसरा टर्म इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहां से एक्स का वैल्यू आया माइनस का पी, और यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस का क्यू, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज आइदर माइनस पी और माइनस क्यू। क्वेश्चन में कह रहा ना सॉल्व फॉर x, x का वैल्यू ही तो निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो कंफर्म है कि दो आंसर आएंगे, आंसर आया माइनस पी और माइनस क्यू। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिए। और अगर आप चाहें
और चैप्टर्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हो, वीडियो फिनिश करते हैं।